विधानसभा चुनाव में मिले शिकस्त के बाद बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। भोपाल में पार्टी दफ्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें लोकसभा मध्य प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, प्रदेश सह संगठन महामंत्री अतुल राय, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। बीजेपी आने वाले दिनों में ग्राम और शहरी स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें विश्वविद्यालयों कॉलेजों में युवा संसद का आयोजन, प्रबुद्ध सम्मेलन, सैनिक सम्मान, मेरा परिवार, भाजपा परिवार, कमल विकास ज्योति, संकल्प अभियान कार्यक्रम चलाएगी। पार्टी 2 मार्च पूरे देश में बाइक रैली का आयोजन करेगी। वहीं 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दी जाएगी, मजबूर की जगह पार्टी मजबूत नेता को टिकट देगी। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इस पार्टी का नींव रखे मित्रों, उनकी पुण्यतिथि 11 फरवरी को, उसकी सभी बूथ पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह किसान मोर्चा, विधानसभा और सोशल मीडिया और मन की बात, ये सभी कार्यक्रम आज सुनिश्चित हुए हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम मनाने वाले हैं। और देश के अंदर हम लोग नेता की लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता और एक रथ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसी रथ पर हनुमान रूपी कार्यकर्ता बैठकर इस रथ को हाकेंगे मित्रों, और जनता का आशीर्वाद लेकर और जनता के चरणों में वंदन करके हम लोग एक बार फिर से इस राष्ट्र की प्रगति के लिए और विकास की गंगा के लिए एक बार हम लोग निकलेंगे। और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की सरकार 2019 माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और वह प्रधानमंत्री बने। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां, पार्टी की आंदोलनात्मक गतिविधियां, पार्टी के विधानसभा के जो हमारे नेता हैं उसकी गतिविधियां, इस सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों की जो वायदा खिलाफी है उसको लेकर के क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी और चुनाव को हम किस तरह से जीतेंगे, इसमें कोई समीक्षा का सवाल नहीं। हम मजबूर उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं, और पार्लियामेंट में जाने के लिए जितने भी मजबूत नेता हैं, जो विनेबल कैंडिडेट हैं, वो निश्चित रूप से आएंगे।